नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्यक्ष महिला योगेश्वर मिश्रा की बेवा पत्नी प्रियशीला मिश्रा की ऐसी दर्द भरी कहानी जिसमें उसने अपने बड़े बेटे को खो दिया। परिवार में कई बेटियां हैं जिनकी शादियों के लिए चिंतित रहती हैं और बेटियां भी शादी योग्य हो चुकी हैं, किंतु महिला कैसे बेटियों की शादी करे, इसका सबसे बड़ा रुकावट है उसकी करोड़ों रुपए की जमीन जिसमें विवाद उत्पन्न किया गया। बताते चले, उनके ससुर राम आधार मिश्रा तीन भाई थे जिनमें राजा राम मिश्रा की कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी बेवा पत्नी पतिराजी ने उमेश चंद्र मिश्रा को 1977 में एक रजिस्टर वसीयत किया जिसमें दर्शाया गया कि योगेश चंद्र मिश्रा को बचपन से पाला पोसा और अपनी संपत्ति दे रही हूँ। जबकि उमेश चंद्र मिश्रा तीन भाई थे, ईश्वर चंद्र मिश्रा, योगेश चंद्र मिश्रा और छोटा भाई अशोक कुमार मिश्रा। सब अपनी अपनी जमीनों पर अलग अलग मकान बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। योगेश चंद्र मिश्रा का पति राजी के मृत्यु के उपरांत वसीयत के आधार पर खतौनी में उनका नाम दर्ज हो गया, किंतु भरत कुमार मिश्रा बिना कोई पत्रवाली के एक मुकदमा सन 2003 में इस आशय पर पंजीकृत कर दिए कि बाद में परेशान होकर समझौता करने पर वेवश हो जाएंगी और फ्री में कुछ ज़मीनें मिल जाएंगी। बताते चलें, भरत कुमार मिश्रा आज तक न्यायालय में कोई साथ या कोई पत्रवाली पेश नहीं कर सके और योगेश चंद्र मिश्रा के पक्ष में फैसला हो चुका है, जबकि योगेश चंद्र मिश्रा की पत्नी प्रियशीला मिश्रा हार्ट पेशेंट हो चुकी हैं जिनकी हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। अब सुने प्रियशीला मिश्रा की दर्द भरी कहानी और उनकी जुबानी। अयोध्या से रिपोर्टर नीरा श्रीवास्तव कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। करीमगंज में योगेश कुमार मिश्रा की पत्नी श्रीमती प्रेमशीला मिश्रा जी हैं जिनकी जमीन परमहंस के ठीक सामने जमीन पड़ी है। बड़े अरसे से मैं भी देख रहा हूँ, बहुत अरसे से है, वो विवाद में है। विवाद क्या है, क्यों विवाद है, किससे विवाद है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि वो ज़मीन जो है आपका बता रहे विवाद है, तो विवाद किस तरह से विवाद है, कैसे लोग कह रहे हैं विवाद, विवाद क्या है? वो मेरे नाम रजिस्टर वसीयत 74 में की थी, 74 में मेरे पति के नाम, तो 77 में। तो ये बताइए, जब आप 77 रजिस्ट्री हुई थी तो वसीयत किसके नाम से हुआ था? योगेश चंद्र मिश्रा जी के नाम, आपके पति के नाम से। आपके पति कितने भाई थे? तीन भाई। तो जिसने आपको वसीयत किया तो वो कौन थी आपकी? वो हमारी बड़ी सास थी, सास की जेठानी। उनके पति क्या नाम था? राजा राम मिश्रा। राजा राम मिश्रा जी तीन भाई थे। राजा राम सबसे बड़े कौन थे? राम आधार जी। राजा राम जी सबसे बड़े थे? जगन्नाथ मिश्रा, राम आधार मिश्रा। तो राम आधार मिश्रा के तीन बच्चे योगेश मिश्रा और अशोक मिश्रा, ईश्वर से मिश्रा सबसे बड़े थे, दूसरे योगेश मिश्रा, अशोक मिश्रा। इसमें कितने भाई बच्चे हैं, कोई भाई है समय? इसमें कोई, तीनों रिस्पायर कर गए। तो वसीयत जो किया था वो आपको योगेश जी को व्यक्तिगत किया था कि सबके लिए किया था? व्यक्तिगत किया था योगेश जी को, आपकी बड़ी सास, ठीक ना। तो ये जो विवाद कब पैदा कर रहा है, अभी हमने कागज देखा है भरत मिश्रा, तो ये विवाद कैसे कर रहे हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब सगे तीन भाई थे जी तो पतराजी में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। राजा राम, जगन्नाथ, राम उधार तीन भाई थे जी। तो राजा राम की पत्नी ने हमको जब दिया तो उन्होंने कहा कि ये दो हिस्से में बटना चाहिए, मतलब रामपाल और जगन्नाथ जी, जगन्नाथ रामपाल और रामचंद्र मिश्रा को भी मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये जो रामपाल राजा राम जी थे वो नाबालिग थे, उनके बच्चे कोई नहीं थे, उन्होंने योगेश मिश्रा को गोद दे रखा था, सेवा पूजा सेवा पानी आप ही नहीं किया उनका, यहीं रहती थी वो, आप ही ने उनका जो है जो भी हुआ सेवा सत्कार हुआ सब आप ही ने किया। हाँ। उनकी जब मृत्यु हुई, किस साल मृत्यु हुई है? 78 में, क्यों सर? वो जगपति क्या नाम है, जगपतिराजी, पतिराजी जी 79 में, 77 में आपको उन्होंने वसीयत किया योगेश जी के नाम, और 79 में वो 79 में एक्सपायर कर गए, ठीक ना। अब विवाद ये है कि वो कहते हैं भरतलाल जी कि ये हमारे भी परिवार के वो थे, उन्होंने लिखा है, जबकि योगेश जी को उन्होंने वसीयत किया था। तो जो वसीयत किया था वो आपके पास है, वो कुछ प्रमाण है साक्ष्य? हाँ, क्या है ये, या दिखाइए भाई, इसको जूम करके दिखाइए जी। ये रजिस्टर्ड वसीयत है, लिखा हुआ है मैं श्रीमती पतिराजी बेवा राजा राम जयसिंहपुर पोस्ट अयोध्या अवध तहसील फैजाबाद
कि मेरी अवस्था बुढ़ापे की हो गई है, कोई संतान पुत्री नहीं है। मेरे सगे देवर का लड़का योगेश चंद्र मिश्रा है, जिसे मैंने बचपन में अपने साथ रखकर पाला पोसा है और इनकी विवाह भी करा दिया है। यह भतीजा मेरे साथ रहकर मेरी सेवा, मतलब ये कहना है कि उन्होंने पूरी सेवा, योगेश मिश्रा जी ने, आपने उनकी सेवा किया और उससे खुश होकर के उन्होंने आपको वसीयत कर दिया। उनका देखभाल कोई और को करने वाला नहीं था, आपने जो है देखभाल किया और उनको अरेस्टी कर दिया, आपको वसीयत कर दिया। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अयोध्या में तमाम प्रॉपर्टी विवादित है और हर जगह मैं विवाद देख रहा हूँ, तो आज जो ये मामला दिख रहा है विद्या कुंड के पास परमहंस ठीक सामने जमीन पड़ी हुई है, खाली प्लाट है, जिस पर आज भरत जो है भरत मिश्रा जी इनके पट्टीदार हैं और उनका कहना है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है और बेवजह और उन 18 तक जो है जुताई बुआई हुई है और वहाँ पे आप ज्योति बोती थी, क्या बोती थी वहाँ पे? 18 तक सरसों गेहूँ, सन 18 तक। उसके बाद मुझे हार्ट के पेशेंट हो गए जी, तो फिर नहीं वो बाईपास, आपकी बाईपास सर्जरी बीमार हो गई, बच्चे आपके जो है बाहर रहते थे, इसलिए नहीं, एक बच्चा आपका खत्म हो चुका है। बच्चे को इन्होंने इतना टॉर्चर किया कि वो खत्म ही हो गया। दूसरे को कहते हैं कि हम दरोगा हैं, ले लेंगे जमीन। दरोगा है वो, कहाँ पे दरोगा है? अब ये नहीं कहते हैं, अपने को दरोगा जी बता रहे हैं। अच्छा, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भरत जी जो है वो दरोगा हैं या किस पोस्ट पे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों को बरगलाया जाता है और प्रेशर बनाया जा रहा है। और एक चूंकि बुजुर्ग महिला हैं, आपकी उम्र कितनी है माता जी? 72 साल की बीमार हैं और पेशेंट हैं, हार्ट सर्जरी करा रखा है, तो तमाम समस्याएं हैं। जब 18 तक इन्होंने वहाँ पे खेती बाड़ी कराया, जब बीमार रहने लगी तो वहाँ नहीं गई। उसके अलावा उस पर जो है भरत जी ने उस पर स्टे करा दिया था, कुछ नहीं किया। क्या हुआ था सर उस पर? भरत जी जो अभी बताया आपने, भरत जी ने जो है इनके साक्ष के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि जो इनका वकील था इनके वसीयत को वहाँ से गायब कर दिया, उस पन्ने से गायब करके और अपना जो है दिखा करके इन्होंने फर्जी वसीयत निकाल दिया। हाँ, कमिश्नर ने जी, कमिश्नर ने, वकील ने किया होगा, कमिश्नर ने नहीं किया? हाँ, तो कमिश्नर के कहने पर ही किया जी, और वकील और सब लोग मिल करके पैसे के दम पर उन्होंने आपको जो है आपके साथ जो है इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, और वहाँ पे प्रशासन भी उनका साथ दे रहा था। और ये झगड़ा जो चल रहा है 2002 से चल रहा है, 3 से जो रेडी 2003 से ये मुकदमा चल रहा है, और देखा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई साक्ष नहीं दिया, लेकिन बिना किसी साक्ष के, बिना किसी पेपर के, वो पैसे के बल पे, और उनके एक ताऊजी थे जो डिप्टी कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर थे जयपुर में, तो उनके जो है प्रभाव से हर जगह इन्होंने अपना जो है काम कराते रहे। और ये चूंकि एक बुजुर्ग महिला हैं, पेशेंट भी नहीं, ये कहीं भाग दौड़ रही, जिसको जब साँच को आँच नहीं, तो आप जब सत्य थी सत्य के आधार चलते, चूँकि वसीयत जो है ये किस सन का है सर? 1977 का ये वसीयत है और रजिस्टर वसीयत है, ससुर भी आते रजिस्टर वसीयत है, उसके बावजूद भी लोग इनको बरगला रहे हैं। और दिखाइए सर, तो वसीयत के आधार पे देखिए, यहाँ पे नाम लिखा है योगेश चंद्र राम आधार जयसिंहपुर, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का और अन्य भाइयों नाम नहीं है इसमें लिखा हुआ है। दिखाइए सर, इसमें अयोध्या वाद संख्या 266/28/8/2000 गाटा संख्या 433। तो यहाँ पे योगेश चंद्र पुत्र राम आधार के स्थान पर श्रीमती सुशीला देवी पुत्री गंगा प्रसाद पत्नी श्रीमती लीलावती देवी पत्नी गंगा प्रसाद बेगमपुरा नाम दर्ज। तो थोड़ा सा आपने जमीन वहाँ बेचा था, ABC आपने बेचा था, तो वो उसके कब्जे में आ गया जमीन वो? नहीं, तो फिर उसके बाद उसने जो है बराठा के जय को बेच दिया। अच्छा, उनके कब्जे में है। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरे किसी और को बेच दिया। तो कहने का मतलब है कि जब आज योगेश चंद्र मिश्रा का नाम दर्ज हो गया, दागी खारिज हो गई, उसके बावजूद अगर न्यायालय को बरगलाया जा रहा है, और जब इनके पति योगेश मिश्रा जी एक्सपायर कर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीधा सीधा लिखा हुआ है योगेश चंद्र पुत्र राजाराम के स्थान पर श्रीमती सुशीला देवी पुत्री गंगा प्रसाद की श्रीमती लीलावती देवी, ये आर्डर हो गया, यहाँ तीनों लोगों का नाम है। अच्छा, ये देखिए, तो यहाँ पे आदेश हो गया आलोक कुमार योगेश चंद, आशीष कुमार योगेश चंद, प्रेमशीला योगेश चंद। तो यहाँ पर उसी के आधार पे जो उनकी मृत्यु हो गई योगेश मिश्रा की,
इनके दोनों बच्चे और इनकी पत्नी प्रेमशीला का नाम दर्ज हो गया। उसके बावजूद भी न्यायालय को जिस तरह से बरगड़ाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे जब इनका एक लड़का जो है आलोक कुमार, क्या नाम था, आलोक कुमार था, आलोक कुमार मिश्रा, जब इनकी मृत्यु हो गई उनके स्थान पर जो है यहाँ दिखाया जा रहा है मृतक आलोक कुमार पुत्र योगेश चंद्र मिश्रा के स्थान पर प्रेमशीला मिश्रा पत्नी योगेश चंद्र मिश्रा निवासी 470 सुंदर भवन के सामने कनिगंज अयोध्या का नाम बरासन दर्ज हो। तो ये 2013 में इसको दर्ज, 2023 में दर्ज हुआ ये था। तो ये देखिए 1/5/2023 को दर्ज किया गया। अगर इनके पास साक्ष्य ना होता, इनकी ज़मीन ना होती, तो न्यायालय भी इनके साथ कहीं भी किसी प्रकार की इससे मुरव्वत नहीं करती, क्योंकि वही साथ चाहिए, उसके पास साथ है। और अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी आपने एक संलग्न प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे हिस्से में कितनी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पर जो है जितनी ज़मीनें थी वो यहाँ इनको दिया गया और यहाँ सत्यापित भी है। देखिए तो यहाँ पे SDM ने भी दिया, तहसीलदार ने दिया है, कानूनगो ने, लेखपाल ने, सभी ने अपनी रिपोर्ट लगाई है कि ये संपूर्ण अंश देखिए यहाँ पे है, खाता संख्या 77, ग्राहक संख्या 151, प्रार्थी संपूर्ण अंश है। तो ये प्रार्थी के मतलब योगेश चंद्र मिश्रा का संपूर्ण अंश है, जिसमें आप हमारे जो है ये आशीष मिश्रा जी हैं और प्रेमशीला जी मिश्रा जी, इनका नाम ये चूंकि लीगल हैं और किस जिस तरह से उनके साथ जो है लोग छल कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं न्यायालय, आज कहीं ना कहीं वो जो है जिस जगह जिस पोस्ट पर है वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अयोध्या में कोतवाली में होमगार्ड के पोस्ट पर हैं वो, और उसका प्रभाव दिखा रहे हैं, उसके प्रभाव से जो है ज़मीन पर अक्सर कोई ना कोई जब भी लोग जाते हैं वहाँ पे, जब भी यहाँ जाते हैं वहाँ पे अपने ज़मीन पर काम करने जाते हैं, तो वो 112 पर या किसी अन्य पुलिस को बुला करके और उसको इनको जो है वहाँ से हटा देते हैं। तो पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व है, इसको देखना पड़ेगा। और उसको साक्ष्य पुलिस यहाँ के कोतवाल, मैं निश्चित कहूँगा मनोज कुमार शर्मा से कि आप जो है अगर आप इस तरह से कोई आप पास आ रहे हैं तो आप साक्ष्य देखिए किसके पेपर है। तो जब सारे पेपर्स इनका जो है बता रहा है कि योगेश मिश्रा जी की पत्नी और उनके बच्चे जायज़ हैं और उन्हीं की ज़मीन है, सबसे बड़ी बात है, और उनका कब्जा भी है बेवजह, आज चूँकि अयोध्या में जितना भी आप देखेंगे लगभग 70% से ज़्यादा जो ज़मीनें वो कब्जा है, विवाद है, ज़मीन किसी का है, विवाद बेवजह किसी कर देता है। तो ये आज यही भरत जी जो है हमारे इनके साथ के साथ प्रेमशीला जी साथ जो है कर रहे हैं, और चूँकि पेशेंट हैं ये, हार्ट पेशेंट हैं, और जिस तरह से हार्ट सर्जरी करा रखा है कहीं निकलती नहीं है, तो न्यायालय चक्कर नहीं लगाया, पर चूँकि पास के पेपर है, सारे पेपर्स हैं। तो मैं निश्चित यहाँ से जो है यहाँ के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मैं ये कहूँगा कि इस पर जांच करते हुए और जो भी न्यायोचित कार्य करें। और अभी देखिए एक पेपर मेरे पास और, आप ये देख सकते हैं कि राजस्व परिषद भी गए थे, राजस्व परिषद से इन्होंने जो है इन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को जो है भ्रमित करके उनको जो है पत्रावली से छेड़छाड़ करके अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। तो ये हमारी यहाँ पे प्रेमशीला जी जो है वो यहाँ राजस्व विभाग गई और वहाँ से इनको जो है न्याय मिला इनको, और इनके नाम दर्ज का फिर जो है कि उस नाम वहाँ जो उनका नाम दर्ज हो रहा था उसको निरस्त किया जाए और यहाँ पे इनका नाम दर्ज किया जाए। तो इन्होंने इनका नाम फिर यहाँ से दर्ज हुआ है। तो आप मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फैयाबाद वार्ड संख्या 41295 48 36 21 87, क्षेत्र तकपुरा 98 अंतर्गत धारा 122 फिलहाल ये जो है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि रामपाल मिश्र बनाम योगेश चंद्र मिश्रा आदि, तारीख फैयाबाद 14/1/2002 को आदेश हुआ कि संलग्न आवेदेश न्यायालय पर आयुक्त प्रशासन फैजाब मंडिया 267। ये सर यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि विरुद्ध आदेश दिनांक 14/1/2002 दिनांक 31/7/2000 को आदेश हुआ कि पत्रावली सुनाई हो दिनांक 4/10 को पेश हो। इस बीच अवर न्यायालय ने प्रश्न के आदेश की क्रियान्वयन स्थगित करते रहेगा। बाद में न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन के पत्र संख्या 267 न्यायालय अतिरिक्त दिनांक 14/2003 के द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रश्नगत अपील के अपर न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन अंग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो वहां पर इनके आदेश को स्थगित किया गया और बाद में फिर इनका नाम यहां पे फिर दर्ज होता है कि संपूर्ण अंश से श्रीमती सुशीला देवी पुत्री गंगाधर, श्रीमती लीलावती देवी अच्छा दूसरे का है। तो वहां पर इनका नाम जो है निरस्त करने के बाद यहां पर इनका नाम दिया है मृतक आलोक कुमार का नाम दर्ज हो चुका है। तो कहने मतलब यह है कि आज जो भी है इनके पास सारे साक्ष्य हैं, सारे पेपर हैं, वसीयत है सन 77 का जो एक प्रमाणित करता है कि वह इसकी लीगल हैं और इनके कब्जे में है लगातार, और जो 2000
तीन से झगड़ा विवाह चल रहा है, अभी तक भरत जी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया, कोई पेपर नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न्यायालय भी जो है वो आंखों में पट्टी बांधे हुए है। उसको देखना चाहिए कि कौन सा पेपर हमारे पास है, विपक्ष के पास कौन सा है, और जो वादी है प्रताप सभी साक्ष्य देना चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे साक्ष्य है, सारे पेपर इनके पास है, और उसके बावजूद भी आज परेशान हैं, दर दर की भटक रही हैं, और न्यायालय का जो है जिस तरह से लोग तोहीन कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई करें। और ऐसे लोग जितने भी लोग कोई भी हो, वो भरत ही नहीं, मैं सभी का विरोध करूँगा कि जिस तरह से लोग न्यायालय को भ्रमित करके 420 करके पत्रावली से छेड़छाड़ करके अपना नाम दर्ज करा रहे हैं और जमीन को विवादित पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे भूमाफियाओं के साथ जो है न्याय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये अन्याय कर रहे हैं इनके साथ जो है निश्चित जो है इन पर मुकदमा कायम किया जाए, और ऐसे हमारे प्रेम शीला जी को जो है इनकी ज़मीन को दिलाई जाए और उस पर किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। और जो हम तो न्यायालय से भी कहते हैं और यहाँ के जिला मनोज शर्मा जी से कहूँगा, CEO महोदय से कहूँगा कि अगर इस तरह से आपके पास कोई साक्षात कोई आता है पेपर आता है तो आप विपक्ष को बुलाइए, जो वादी है उनको बुलाइए और आप पेपर देखिए, तो सारे पेपर आपके पास हैं मौजूद हैं और ये उसकी जायज़ मालिक हैं, इनको हक दिलाया जाए। मैं अध्यक्ष नीरज सत्य।